हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक और पार्सल आज हमारे पास आया है, तो हम फटाफट ओपन करके चेक करते हैं कि इसके अंदर आया क्या है। तो देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया अच्छे से पैकिंग किया है भाई ने। तो ये निकला है हमारा वन प्लस 9 प्रो। तो दरअसल ये फ़ोन जब हमने इसे चेक किया तो चार्जिंग करके, तो चार्जिंग तो कुछ ले ही नहीं रहा था। तो अभी हमको ऐसा डाउट हो रहा है ये फ़ोन कहीं बाहर खुला है। ओ माई गॉड, ये मदरबोर्ड की कंडीशन तो देखो गाइस, क्या है मदरबोर्ड की कंडीशन। तो ये मदरबोर्ड की कंडीशन हमें बहुत ही ज़्यादा बेकार दिख रही है। किसी ने इसका सीपीयू भी बनाया हुआ है, रोम भी बनाया हुआ है, हार्ड डिस्क भी बनाया हुआ है। और अभी मैं आपको माइक्रोस्कोप में लेके चलता हूँ और मदरबोर्ड की कंडीशन दिखाता हूँ। और अभी हम इससे कस्टमर से भी बात करेंगे और आपको लाइव उनकी रिकॉर्डिंग भी सुनाएंगे कि कस्टमर का कहना क्या था, उनके फ़ोन के साथ क्या हुआ। हेलो, हाँ, ये आपका एक 9 प्रो का बताने था ना आप? वन प्लस नाइन प्रो। तो ये जो फोन है आपका, किसी ने बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, कैपेसिटर कंपोनेंट, सीपीयू, हार्ड डिस्क, ऑडियो आईसी, हर जगह पे काम किया हुआ है। पूरी आईसी क्रैक जैसी लग रही है हल्की हल्की, और शील्ड भी बहुत बेकार तरीके से उतारा है आपके फोन की किसी ने। हाँ, एकदम जो मदरबोर्ड जो होता है ना, मदरबोर्ड उस पे काम हुआ पड़ा है। मदरबोर्ड पे बहुत ज्यादा काम हुआ है सर, आपके मदरबोर्ड पे जो है ना पूरा खराब कर दिया है किसी ने काम करने के चक्कर। पूरी आईसी लाइन से ऐसी क्रैक 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 दिख रही है। मैं माइक्रोस्कोप पे बताता हूँ आपको वीडियो थोड़ा सा, ठीक है? अच्छा, तो ये कहाँ दिखाए थे, कैसे क्या हुआ था आपके साथ ये? और कैप भी बहुत सारे, कैपेसिटर जो रहते ना, कंडेंसर, वो भी तोड़ा है किसी ने, बहुत सारे टूटे हुए, रजिस्टर निकले हुए, शील्ड बहुत बेकार तरीके से उतारी हुई है। ये इतना महंगा फोन है और इतने बेकार तरीके से काम कहाँ करवाए थे आपने सर? एक्चुअली मुंबई में एक ऑनलाइन चेक किया था, जैसे आपको ढूंढा ना वैसे ही मैंने उनको ढूंढा था सर। ये बराबर नहीं हुआ है काम आपका, महंगा फोन है, इतना बेकार काम नहीं करना पड़ता है। पूरा गंदगी के साथ काम हुआ है, पूरा बोर्ड भी गंदा है। मेरे को पता ही नहीं था, मेरे को तो उन्होंने ऐसा बताया था, जब मैं, मुझे ऐसा लगा था कि मैं उनसे, उनके काम से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, तो हाँ, मुझे भी ये चीज हुआ। ऐसा नहीं था कि वो रूड थे, फलान, बहुत अच्छे से बात बात किया था, लेकिन जैसे मैं सामने बैठा के मेरे सामने काम किए थे, तो कोई तो मशीन थी उसमें वो दिखा रहे थे कि पहले 0.2 का कुछ आ रहा था वोल्टेज, और वो बता रहे थे कि अगर 0.6 से ऊपर रहता है तो मतलब सीपीयू में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 0.6 के नीचे है तो मतलब मदरबोर्ड में। मेरे को तो यहाँ दिख रहा है कि आपके फोन पे काम हुआ है, लेकिन जो है तरीके, जो तरीके से होना चाहिए था वो सही तरीके से नहीं हुआ, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। मैंने बहुत ज्यादा छेड़ा हुआ फोन है आपका, बस ये कहने का मतलब है मेरा। मैं भी आपकी कॉल भी रिकॉर्ड करूंगा, यूट्यूब पे भी ये वीडियो डालूंगा आपकी, ठीक है, माइक्रोस्कोप के साथ भी। जो दिख रहा है मुझे, मैं वही बताऊंगा, बाकी वो आपके साथ क्या हुआ, कैसे किया, किसने क्या किया, वो तो मैं बता नहीं पाऊंगा, ठीक है सर? ऑलराइट, ठीक है जी। तो ये बनने की कंडीशन में तो है ही नहीं आज। हाँ, तो उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि क्या बोलते हैं, जब उन्होंने, पता है, वो अराउंड 3-4 घंटे तक बनाते रहे, उसके बाद वो लोग बोले कि नहीं नहीं ऑन हो पाया सर। तो मैं बोला ठीक है, कोई नहीं, मैं देखता हूँ। ट्रैक की भी त्रुटि भी दिख रही है कुछ कुछ मुझे अभी। हाँ, अभी तो मैंने सीपीयू उतारा ही नहीं है आपका, मैं सिर्फ ऊपर के ऊपर बता रहा हूँ आपको, सीपीयू तो खोला भी नहीं है मैंने आप, क्योंकि यहाँ पे इतनी बेकार कंडीशन है, बनने लायक तो मुझे कहीं से भी नहीं दिख रहा है। अच्छा जी, चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, भेज दीजिए आप वैसे ही वापस, ठीक है, रिटर्न भेज दूँ, ठीक है ना? हाँ। तो सुना गाइस आपने कि कस्टमर से हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मैंने इसे मुंबई में दिखाया था और मदरबोर्ड की कंडीशन कुछ इस तरीके की है। अगर आप भी अपने फ़ोन कहीं रिपेयर के लिए डालते हो तो सही जगह डालो आप अपने फ़ोन, वरना ख़राब करा दोगे। ये फ़ोन इतना महंगा, कॉस्टली फ़ोन था, क्योंकि जिसकी कोई हद नहीं, और ये भाई ने कहीं बाहर खुलाया तो इनके फ़ोन का पूरा ख़राब कर चुका है। तो चलिए, मिलेंगे मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।